नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ADHD के सिम्टम्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ज्यादातर ADHD बच्चों में डायग्नोज होता है, लेकिन कई बार अडल्ट्स में भी ADHD देखा जाता है। ADHD को डायग्नोज करने के लिए कोई फिक्स्ड, कोई पिन पॉइंट सिम्टम्स नहीं होते। इसके अलग अलग स्टेप्स को इवेल्युएट करके ADHD की फाइनल डायग्नोसिस की जाती है। डॉक्टर को मिलने के लिए और ADHD है क्या नहीं ये इवेल्युएट करने के लिए कुछ सिम्टम्स या कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर किसी में इन अटेंटिवनेस देखा जाए, यानी कि अटेंशन फोकस करने में प्रॉब्लम देखा जाए, प्रॉब्लम नोटिस की जाए। ज्यादातर 6 महीने के पीरियड पे हर एक इंसान को ऑब्जर्व किया जाता है। 6 महीने के इस पीरियड के अंदर अगर 6 से ज्यादा इनअटेंटिवनेस की सिम्टम्स या एक्सेसिव इनअटेंटिवनेस की सिम्टम्स किसी बच्चे से लेके 16 साल की उम्र के बच्चे तक दिखाई देते हैं तो ये ADHD हो सकता है। इसके लिए इवैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। अडल्ट्स में यानी कि 17 साल की उम्र के बाद अगर किसी में 5 से ज्यादा इनअटेंटिवनेस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो तो उन लोगों को ADHD के लिए इवेल्युएट करना जरूरी हो जाता है। इन अटेंटिवनेस मतलब किसी भी चीज के ऊपर फोकस रखना या अटेंशन देना। ज्यादातर काम में या स्कूल में अटेंशन ना देने की वजह से मिस्टेक्स कमिट करना, ज्यादा देर तक अटेंशन होल्ड ना कर पाना। अगर कोई उनके साथ बात कर रहा हो तो ऐसा महसूस हो सकता है कि ये सामने वाला इंसान ध्यान ही नहीं दे रहा है, सुन ही नहीं रहा है। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डेली एक्टिविटीज सही से ना कर पाना, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन अगर दिया जाए तो ये इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो ना कर पाना, ये सब ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं और इन सब के लिए ADHD इवेल्युएट करना जरूरी हो जाता है। इन अटेंटिवनेस के अलावा इन लोगों में इम्पल्सिव बिहेवियर देखा जाता है। अगर किसी में 6 महीने के पीरियड में 6 से ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर नोटिस कर रहे हो तो ये ADHD का एक लक्षण हो सकता है। इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब बार बार अपने हाथों से फिजिट करना, पैर बहुत ज्यादा रेस्टलेस लगना, जहां पे जरूरत ना हो वैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना, जैसे कि पूरे क्राउड में तालियां बजाना, भरे मंडप में जोर जोर से चीखना। ऐसे कुछ सिम्टम्स जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन कम हो जाए या फिर सोशल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाए, ये सब सिम्टम्स ADHD की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। एक जगह पे बैठा रहना, स्कूल में बार बार उठ के निकल जाना, कहीं पे भी चढ़ जाना, कहीं पे भी भाग जाना, ये सब सिम्टम्स ADHD की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। कई बार ये सिम्टम्स किसी और मेंटल डिसऑर्डर में क्लासिफाई नहीं किए जाते, तभी ADHD को इवेल्युएट करना जरूरी हो जाता है। ADHD के 3 प्रकार बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, जो है कंबाइंड प्रेजेंटेशन, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन जिसमें अटेंशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन जिसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर ज्यादा करके देखा जाता है। ADHD के सिम्टम्स अगर किसी में नजर आ रहे हो लेकिन उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही हो तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की इवेल्युएशन की जाए। ADHD कंट्रोल हो सकता है। ADHD की वजह से जो सोशल इम्बैलेंस हो जाता है, सोशल एम्बैरेसमेंट हो जाती है, ये अवॉइड किया जा सकता है। थेरेपी सेशंस हो सकते हैं
जिसकी वजह से ADHD काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, अगर किसी भी बच्चे में ADHD जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो पेरेंट्स को उन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद हमारे बच्चे में कोई फॉल्ट है और इसका इलाज करना जरूरी है। सही समय पे सही इलाज अगर दिया जाए तो ADHD के बच्चे बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।